नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो के साथ वेल आई नो कि मैं बहुत ज्यादा लेट ये वीडियो बना रहा हूँ बट मुझे लगा कि मुझे अपने थॉट्स शेयर करने चाहिए बोरोटो का जो नया चैप्टर आया है बोरोटो टू लो वॉटेक्स के साथ तो मैं आ गया अपने थॉट्स आपके साथ शेयर करने आई नो कि मैं बहुत ज्यादा लेट बना रहा हूँ बट कंटेंट की थोड़ी कमी चल रही थी मेरे पास तो सोचा क्यों ना मैं इसी के ऊपर वीडियो क्यों ना बना दूँ तो चलिए शुरुआत करते हैं बोरूटो टू ब्लू वोटेक्स अब टू ब्लू वोटेक्स का एक्चुअली मीनिंग क्या है तो अकॉर्डिंग टू गूगल बाबा जो टू ब्लू वोटैक्स है वो स्टैंड करता है टू रसिंगन के ऊपर और जो रसिंगन यूजर है वो अभी अपने करेंटली में बोरूटो एंड नरूटो है तो इसका मतलब आप समझ ही गए होंगे कि अब जो पूरी स्टोरी लाइन है वो एक्चुअली किसके ऊपर जाने वाली है और किसके ऊपर पूरी तरीके से डिपेंड रहेगी और ये सारी चीजें आपको पहले ही पता लग गई होगी जब आपने बोरिटो का चैप्टर 80 रीड किया होगा और जिसने नहीं किया तो मैं उसको बता दूं कि नरूटो किडनैप हो जाता है कावाकी के द्वारा और ईडा के मदद से बोरुटो एंड कावाकी अपनी पोजीशन स्विच कर लेते हैं सो दैट्स मीन बोरुटो इज द वन हु बिट्रे कोनोहा विलेज वेल एक्चुअली मैं चैप्टर 80 से ये स्टोरी थोड़ी सी इंटरेस्टिंग होने चालू हो गई थी जो की मैं बहुत ज्यादा खुश हुआ क्योंकि बोरूटो के इतने सारे चैप्टर निकले एंड मुझे सच में बहुत ज्यादा बोरिंग लग रहा था बट फाइनली अब चैप्टर में कुछ नया हुआ है स्टोरी में कुछ बदलाव आई है तो आई एम गेसिंग कि अब बोरूटो बहुत ज्यादा हाइप होने वाला है तो मेरे हिसाब से मुझे जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि आप सभी को समझाने की कि आखिरकार बोरूटो नरूटो नेक्स्ट जनरेशन में उसके लास्ट चैप्टर के में आखिरकार हुआ क्या था वेल बेसिकली वहां पे सबसे ज्यादा चौकाने वाली चीज मेरे लिए ये थी कि जो शारदा होती है वो अपनी मांगे की उस सारेगा नवे कर लेती है और ये थोड़ा और लगा मेरे को क्योंकि मोस्ट ऑफ़ द उछिया मोस्ट ऑफ द उछिया क्या ही बोलूँ मैं कि जितने भी अपन ने मांगे क्यों सारे गान देखे हैं वो एक्चुअली किसी को खो के या फिर दर्द के मारे अपन को अवेकिन हुए हैं लेकिन सारदा का केस में उल्टा था सारदा का जो मांगे क्यों सारंगान है वो अपने डैड बोले तो सासके के सामने खुलता है वो भी बैगिंग करते हुए बोरुटो के लिए कि आप जाओ और बोरुटो को बचाओ अब वो ऐसा इसलिए ये बोल रही है क्योंकि अचानक से जो जितने भी निंजास थे वो सारे के सारे कवाकी के पीछे पड़े हुए थे बट अचानक से जैसे ही ईडा ने अपना जादू चलाया कवाकी एंड बोरुटो, वो दोनों एक दूसरे की पोजीशन स्विच कर लेते हैं उन सभी के मेमोरीज के अंदर यानी कि अब जितने भी जने हैं सास के हुआ चिके मारू हुआ या फिर और भी जितने भी बोरूटो के दोस्त हैं अब उनके मेमोरी के हिसाब से बोरूटो इज द वन हु किल्ड नरूटो एंड कावाकी इज द सन ऑफ नरूटो यानी कि बोरुटो से सिर्फ अब बोरुटो रह गया है एंड कावाकी से हो गया है कावाकी उजुमा की अब वेल बात यहाँ आती है कि आखिरकार ईडा ने ऐसा क्यों किया वेल well, एक्चुअली में इसका मेन रीजन ये है कि ईडा ने ये इसलिए किया क्योंकि की ने बोला था एंड ईडा कवाकी को बहुत ज्यादा पसंद करती है और उसका दूसरा रीजन ये भी है कि कवाकी को यह पता है कि जो नरूटो है वो बोरूटो के हाथ तो मारा जाएगा फ्यूचर में क्योंकि वो एक है सो so, उसके चलते हुए उसको नरूटो को बचाना था तो देट उसने ये सब चीजें करी अब ये सब तो चलता है पूरे चैप्टर एटी में बट देन सडनली सास के एंड जब बोरूटो बात कर रहे होते तो हमें ये पता लगता है कि सास के सिर्फ अपनी बेटी के चक्कर में बोरूटो के ऊपर विश्वास कर रहा है और वो ये बोल रहा है कि बोरूटो से अगर तुम सच में नरूटो के लड़के हो तो मुझे तुम प्रूफ करके बताओ फिर उसके बाद थोड़ी चिटचट के बाद बोरूटो द नेक्स्ट जनरेशन खत्म हो जाता है फिर उसके बाद हमें देखने को मिलता है तीन साल का टाइम स्किप जिसमें हमें न्यू मांगा निकलते हुए दिखती है जिसका नाम रहता है बोरुटो टू ब्लू वॉट एक्स इसका मतलब मैं स्टार्टिंग के वीडियो में ही समझा दिया था तो चलिए इसका भी आखिरकार देख लेते कि आखिर इसमें है क्या क्या चीजें और जिस हिसाब से इसका पहला पेज है मैं शारदा को देख के ये समझ पा रहा हूँ कि इसको एक रोल मॉडल टाइप का बना दिया बट बहुत ज़्यादा फैशनिंग वाला इसका ड्रेस है आई डोंट नो वाई बट मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा है इसको देख के और मे बी इसके बाल थोड़े बड़े और होते तो ज्यादा और मजा आता वेल इस चीज को साइड में रखते हुए हम फर्स्ट पेज में ये देखते हैं कि शारदा सिक्के मारू से बात कर रही होती है एंड सिक्के मारू हुका का केप पहने हुए होते हैं तो इसका मतलब ये है कि जो अपने एड थुकागे हैं वो सिक्के मारू है और शारदा यही बोल रही होती है कि बोरूटो जो है वो टेटर नहीं है वो कावा की है बट कोई भी ये मानने को राजी नहीं था और इसके बाद सिक्के मारू ये बोलता है कि शारदा मैं तुम्हारे को लेके थोड़ा चिंते में हूँ क्योंकि मैं अगर सोचू तो इस रेट पे तुम हुकागे के बारे में भूल जाओ और वैसे भी तुम अभी सिर्फ गहने नो तो शारदा उसका एक बहुत परफेक्टली आंसर देती है और वो ये बोलती है कॉज माय डैड अट लेटर टू जस्ट लाइक बोरुटो और वो ये भी बोलती है कि जो उसके जो रोल मॉडल है वो लॉर्ड सेवेंथ है ना कि तुम तो बेसिकली अच्छा यही होगा कि तुम चुप बैठो Well मेरे हिसाब से शारदा को इतना डिसरिस्पेक्टफुल नहीं करना चाहिए था बट वो भी कहीं गलत नहीं है क्योंकि इन सभी लोगों की मेमोरी स्विच हो गई है बट इनकी नहीं हुई देन वी सॉ दैट हिनाता एंड नरूटो आ स्लीपिंग इन अदर डायमेंशन एंड वही पे हमें कवा की दिखाई देता है तभी हम लोग नेक्स्ट पेज में देखते हैं कि तारदा ईडा से एंड डियामोन से बात कर रहे होते हैं एंड वो लोग थोड़े चौक जाते हैं क्योंकि अकॉर्डिंग टू ईडा जो की है सिर्फ उन्ही की जो मेमोरीज है वो रीराइट नहीं हुई है बट किसी रीजन से शारदा की मेमोरीज़ रीराइट नहीं हुई है अब मुझे ये लग रहा है कि उसके पास सारिंगन है और हो सकता है कि सारिंगन उस चीज़ को डिनाई करती हो तो इस वजह से शारदा की मेमोरी रीराइट नहीं हुई हो बट वो ही एक अलग तरफ जो सांस के है उसकी मेमोरी रीराइट हो गई है तो ये भी चीज़ हम नहीं कह सकते तो मे भी हमें आगे जाके पता लगेगा कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ था जिसके चलते हुए शारदा की जो मेमोरी है वो रीराइट नहीं हुई अब हमने सभी का तो के प्रूफ देख लिया है देन हम लोग देखते हैं एंड को जो खड़े हुए होते हैं और वो लोग थोड़ी चिट चेट कर रहे होते हैं पहले बेसिकली वो लोग ज्यादा कुछ बात नहीं करते बस मित यही बोलता है कि वो वो प्रॉमिस करता है कवाकी को कि वो उसको प्रोटेक्ट करेगा एंड बोरूटो को मार डालेगा जैसे ही वो उसको दिखता है देन सडनली कवाकी को एक मैसेज आता है उसकी टीम की तरफ से कि ईस्ट ऑफ सेक्टर सी के साइड उनको एक ट्रेस मार्क मिले हैं तो कवाकी तुरंत उस तरफ चला जाता है उड़ते हुए एंड वो लोग सर्च करते हैं काफ़ी सारे उनको ट्रेड मार्क्स मिलते हैं बट वो लोग पता नहीं लगा पा रहे होते कि आगे कर इस का इस मतलब क्या है। Then suddenly कवा की जगह इकट्ठा किया जाए ताकि से मैं पता लगा पाऊँ की आखिरकार उनके शरीर के ऊपर भी कोई मार्क तो नहीं छूट गया ताकि से हम उस कोट को पता कर पाए सडनली सॉ की एक फ्रीजा जैसा दिखने वाला एक alien type और you can call it monster appear हो जाता है konoha village के अंदर then suddenly he destroying and killing people etc and तभी हम देखते हैं कि सारादा उनसे फाइट कर रही होती है और वो उनमें से एक जो मॉन्स्टर रहता है वेल well, एक्चुअली मैं आपको बता दूं जो ये फ्रीजा जैसे दिखने वाला मॉन्स्टर है उसका नाम कोड है तो जैसे ही वो उसको एक किक देती है वो दूर जाके गिरता है we saw that कि उसके अंदर में से बोले तो उसके चेहरे में से और कोड निकल के आते हैं then suddenly

विलेज लीव कर चुका है एंड हमें भी नहीं पता कि वो एक्चुअली में कहा है तो इसका मतलब ये है कि जो इसका जो टाइम स्किप है वो तीन साल का है एंड वी सो बोलता है कि मैं थक चुका हूँ बोरूटो को ढूंढते ढूंढते तो अब मैं यहीं पर ही रहूंगा ताकि से मैं अगर तुम लोगों को हार्म करूंगा तो मेरे हिसाब से तुम चिल्लाओगी या फिर जो कुछ भी करोगी तो वो अपेयर हो जाएगा तो इसको डिनाय करते हुए शारदा बोलती है कि तुम जो कुछ भी कर रहे हो बस बकवास करे जा रहे हो कोई फायदा नहीं है बोरुटो तो आसमान से अपेर होता है एंड वो उस बंदे के सीधे मुंह पे लात आके रख देता है एंड uh, वो बोलता है कि इज दैट काइंड ऑफ सिक थिंकिंग दैट उट दे बोरोटो के ऊपर वो अटैक करता है बट वो उसको डॉच कर लेता है तभी सिक्के पास अपडेट पहुंच जाती कि Boruto हो गया है लास्ट टू पैनल बोरूटो एंड शारदा सराउंडेड है उन कोर्ट्स के द्वारा एंड इन द लास्ट पैनल कवाकी को सेंस हो जाता है बोरूटो का चाकरा और वो ये बोलता है की फाइनली बोरूटो अब बाहर आ चुका है we can Assume that कि जो नेक्स्ट चैप्टर आने वाला है उसमें ये जो विलन है कोट एंड बोरूटो आपस में फाइट करने वाले हैं। and वहीं पर ही अपना हो जाता है, खतम जो की अपना टू ब्लू का वन रहता है। and मेरे से ये चैप्टर इतना कुछ खास था नहीं बट हाँ इसमें जो टाइम स्क्रिप्ट दिया है एंड जिस हिसाब से बोरूटो को दिखाया है उसका जो ड्रेसिंग है और जिस हिसाब से वो दिख रहा है इट्स अ कूलर देन नरोटो सासके ककासी एंड ओबीटो वो बहुत ज्यादा कूल दिख रहा है आई बिलीव दैट ही इज मच स्ट्रॉन्गर देन सासके नाउ एंड वो अब एक सॉट भी कैरी कर रहा है तो हो सकता है कि सासके ने उसको वो दी हो और जो वो एक केप पहना हुआ है ब्लैक कलर का एक्चुअली मुझे वो सा का ही लग रहा है सो दैट्स मीन इज द वन हु ट्रेन साल की जो ट्रेनिंग दी होगी एंड मेरे हिसाब से काफी सारी न्यू ट्रिक्स होंगी बोरूटो के पास एंड जिस हिसाब से हमें कवाकी दिख रहा है उस हिसाब से भी मैं कह सकता हूँ की कवाकी भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया होगा बट मुझे नहीं पता की शारदा क्या कर रही है मेरे हिसाब से उसको थोड़ा और ढंग का रूप देना चाहिए था सो दिस इज इट फ्रॉम माई साइड एंड आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल मैं ऐसी वीडियो लाते रहूंगा एंड आई नो बहुत ज्यादा लेट कर दी मैंने ये वीडियो तो मैं मिलता हूं आपको बोरुटो के न्यू चैप्टर के साथ जिसमें हम आगे बढ़ेंगे इसके आगे की स्टोरी को लेके। तो जब तक के लिए सायोनारा